स्टफ नहीं बोलते एक दूसरे के बारे में। बाकी थोड़ी बहुत मस्ती तो चलती है क्योंकि उसी का शो मैंने ले लिया और वो कहीं और चले गए। तो मैंने भी कहा, माधुरी जी आई थी मेरे पहले एपिसोड में, माधुरी जी ने कहा कि वो यहाँ पर बड़े अच्छे लोग थे पहले, तो मैंने बोला हाँ अच्छे लोग दुनिया में कहाँ टिक पाते हैं। तो और उन्होंने भी अभी कहा कि अपने प्रोमो में, देखो प्रोमो से उन्होंने शुरुआत कर दी कि 9 से 10 आऊँगा और 10 बजे के बाद सो जाना आप लोग, जो करना है करो। नहीं नहीं 10 बजे क्यों सोएंगे, मैं कहता हूँ 10 बजे हमारा शो आने वाला है। तो वो हमारी भी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है और देखते भी हैं लोग, हमारी TRPs बहुत अच्छी आ रही हैं। मेरा इंटरव्यू भी आया था कि जब कॉमेडी नाइट्स लाइव शुरू हुआ तो हमको बहुत अच्छा बम्पर रिस्पॉन्स मिला है। कृष्णा, जैसे कि आप कह रहे हैं एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो कह रहे हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स का नाम दे दिया है कॉमेडी का, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स मैं नहीं कहना चाहूँगा। आई थिंक होता है, राइवल शोज बहुत सारे हैं, सिर्फ और भी कई शोज हैं, डांसिंग शोज है, जब झलक आता है तो, जब DID भी आता था तो उनका भी एक राइवल था ना कि ZTV को अपनी TRPs लानी है और कलर्स को अपनी TRP लानी है। लेकिन उनका ना राइवल इतना बड़ा नहीं बना दिया गया। हम लोगों का एक्चुअली कॉमेडी सर्कस से लफड़ा चलता आ रहा था कि जब वो जीतता था तो कभी मैं गुस्सा हो जाता था, कभी वो मेरे पे गुस्सा हो जाता था, तो वो चलता ही रहा बीच में। और फिर सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं भी कलर्स पे आ गया 10 बजे, जहाँ पर वो संडे को 10 बजे थे, और सिचुएशन ऐसी है कि वो छोड़ के चले गए। तो मैंने तो कोई जाके ये चैनल को नहीं बोला ना कि आप एक काम करो, कपिल को हटा दो, मेरे को ले लो शो पर। वो तो खुद उन्होंने एग्ज़िट ले ली, और फिर चैनल ने बोला अभी कपिल नहीं, तो हम कृष्णा की फैमिली बनाते हैं और हम शो कैरी ऑन करते हैं। तो ये इट्स नॉट डर्टी, वो पता नहीं, वो उनका मैटर होगा। हाँ वो आई थिंक पता नहीं, जो बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए, राज सर ने भी इंटरव्यू दिया था बीच में कि उनको आई थिंक कपिल के बिहेवियर से प्रॉब्लम नहीं थी, उसके जो मैनेजर्स हैं जो उसको मैनेज करते हैं उनसे उनको प्रॉब्लम होगी किसी भी तरीके, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा अंदर गया नहीं। मैं तो वही खुश हूँ कि कॉमेडी नाइट्स अब मैं कर रहा हूँ। विदाउट परमिशन वो जाते थे सेट्स पर और इस तरह की चीज़ें, मतलब नए नए प्रोग्राम।